हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई आई एम फाइन मैम। व्हाट एम अबाउट फाइन यू? मैम। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। एंड बेटा, हमने लास्ट क्लास में अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी थी ना, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी किस कैसे उनके साथ बुरा बिहेवियर हुआ था, डिस्कस किया था ना हम सभी ने। यस चलिए, मैम तो आगे अब ये देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने जो कुछ सहा था उसके लिए उन्होंने क्या किया आगे चल के। ठीक है, तो आज हमें यही डिस्कस करना है इस क्लास में। तो बेटा, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास को लेके? नो नो मैम। मैम नो मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में बी आर अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ी थी जो, तो आज का जो टॉपिक है, आज पढ़ना है हमें स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए। स्ट्राइविंग का मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रगल, लड़ाई करना, फाइट करना। तो इक्वालिटी लाने के लिए लोगों ने कैसे लड़ाइयां लड़ी हैं, तो किस तरीके की लड़ाई, जैसे बच्चे लड़ते हैं आपस में, ऐसा नहीं मारपीट के लड़ते हैं, इस तरीके से लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई कैसे हुई थी, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके? यस यस मैम। चलिए, तो यस मैम। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी ये वाला टॉपिक डिस्कस करने के पहले एक पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। यस बेटा, आप लोग ये बताएंगे कि हाँ, आप सभी ये तो जानते हैं ना कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, यहाँ पर ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे। यस मैम। तो आपको यस पता है हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे हुए, हमने क्या लड़ाई लड़ी थी या फिर कोई आंदोलन किया था? क्या लड़ाई करी थी हमने, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार? यस, क्या किया था? अंश, यस अंश, आप जान? मैम आंदोलन किए थे। आंदोलन किए थे, आंदोलन। यस बेटा, पता है अगर आपको, आप ये जानते हैं अगर लड़ाई लड़ी जाती ना, मतलब पिस्टल, बंदूक, रिवॉल्वर, तलवार, धनुष लेके, तो वो लड़ाई एट द एंड हम लोग हार जाते। ब्रिटिश तो बहुत ही पावरफुल थे, उनके पास नए मॉडल की गन्स, बुलेट, सब कुछ था। तो अगर हम लोग लड़ाई लड़ते तो हम लोग एंड में हार जाते, लेकिन आंदोलन किया गया था, यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया गया था। तो उस मूवमेंट ने ही, वो मूवमेंट जो कि गांधी जी ने चलाया था, इसलिए ही गांधी जी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो आंदोलन चलाने के लिए जो सलाह दी गई थी वो गांधी जी ने दी थी। चलिए, तो फिलहाल अभी हमें उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, वो पूरा टॉपिक आपको आपकी 8th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ओके? यस मैम। अभी आज का टॉपिक है हमारा यस मैम इक्वालिटी, दैट मींस समानता के लिए संघर्ष या स्ट्रगल। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। तो आपको पता है जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया जा रहा था, जो आजादी के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था ब्रिटिश रूल से आजाद होने के लिए, तो इसमें केवल ब्रिटिश से फ्रीडम होना ही नहीं था, इसमें और भी क्या इंक्लूड था, लोगों के ग्रुप्स की लड़ाई उनके खिलाफ जहां पर उनके साथ बुरा बिहेवियर हो रहा था। दैट मींस कि जिस भी ग्रुप के साथ बुरी तरीके से बिहेव किया जा रहा था, वो ग्रुप इसी लड़ाई में अपने अधिकारों को भी पाना चाहते थे। बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। और यहाँ पर ये लड़ाई क्यों की गई थी, ताकि इनके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, इन्हें भी सबके बराबर माना जाए। अब कौन कौन था इस ग्रुप में जो लड़ाइयां छेड़ रहे थे? दलित वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दैट एक्सपीरियंस इज देयर लिव्स। तो कौन कौन लड़ाई कर रहे थे यहाँ पर? दलित, जिनके बारे में हमने पढ़ा ही था लास्ट क्लास में, ऐसी कास्ट जिन्हें लो समझा जाता है, जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिन्हें अपने एरिया में आने भी नहीं दिया जाता था। एंड इसके अलावा वुमेन, क्योंकि लड़कियों की स्थिति भी बॉयज के अकॉर्डिंग गर्ल्स की स्थिति भी काफी बुरी थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। और इसके अलावा और कौन थे? ट्राइबल्स, आदिवासी, जो लोग जंगलों में रहते हैं। एंड पीजेंट एंड गरीब किसान, जिनके ऊपर बहुत सारा उधार हो गया था, कर्जा ले लिया था उन्होंने अपने मालिक से,
क्योंकि ये गरीब होते थे, इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। तो ये चारों लोग थे, ये चार ग्रुप, चार कम्युनिटी, जिन्होंने इस फ्रीडम की लड़ाई में अपने अधिकारों के लिए भी लड़ाई छेड़ी थी अपने ही देश में। द एक्सपीरियंस इन देयर लिव्स, तो ये लोग अपने लिव्स में, दैट मीन्स कि जहां पर ये लोग रहते थे उसी एरिया में इन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। अब आगे देखते हैं। इस एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो दलित कास्ट होती थी उन्हें टेंपल्स में भी नहीं जाने दिया जाता था, नहीं जाते थे ना वो लोग। तो अब ये लोग इन्होंने क्या किया, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। बहुत सारे दलित्स ने इसलिए आंदोलन छेड़ा कि नहीं हमें भी टेंपल में जाना है, वरना हम लोग आपका कोई काम नहीं करेंगे, हम सफाई वाला काम भी नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ा था। अगर उसके बजाय वो लोग लड़ाई करने लगते ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, तो हार जाते वो लोग, उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव as much a right to education as men did. इसके अलावा जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उन्होंने भी डिमांड किया, उन्होंने भी मांग की कि हमें भी बॉयज के इक्वल, जो मतलब पढ़ने का जो अधिकार बॉयज को दिया गया है, जितना वो पढ़ेंगे उतना ही हम गर्ल्स भी पढ़ेंगी। एंड और क्या इसमें डिमांड की गई थी, पीजेंट ने, जो किसान थे गरीब, did tribals fight to release themselves from a grasp of money lender. तो ये पीजेंट एंड जो ट्राइबल्स थे, ये लोग क्यों फाउट कर रहे थे, क्यों लड़ाई कर रहे थे, टू रिलीज देमसेल्व्स, अपने आप को छुड़ाने के लिए फ्रॉम ग्रैस्प ऑफ द मनी लैंडर। ग्रैप्स क्या होता है, कर्ज। तो मनी लैंडर, जिस मनी लैंडर जो एक साहूकार होता था जिससे ये लोग बहुत सारे पैसे ले लेते थे, उधार ले लेते थे, इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता था, तो उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, उस ग्रैब से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने भी लड़ाई करी। एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड, क्योंकि जब ये कुछ भी पैसे लेते थे मनी लैंडर से, तो वो उन्हें बहुत ही हाई रेट पे, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते थे। और जो गरीब किसान होते थे बेचारे, वो केवल ब्याज ही पे करते रह जाते थे, और जो एक्चुअल जो अमाउंट होता था वो देने की बारी तो कभी आती ही नहीं थी, और इसलिए बेचारे गरीब के गरीब रह जाते थे। एंड जो ये मनी लैंडर्स होते थे, ये इनकी जमीन भी हड़प लेते थे, फिर कहते थे कि तुम हमारे पैसे नहीं दे पा रहे हो, अब हम तुम्हारी जमीन लिखवा लेंगे। तो इनकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी। एंड इन सभी कारणों से क्या हुआ था, ये सारे ही लोग, दैट मीन्स कि दलित, वुमेन, पीजेंट एंड ट्राइबल्स, ये सभी फाउट कर रहे थे, सभी लड़ाइयां लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए। तो बेटा आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए? यस मैम। तो अभी हम yes, ma'am. कि किस तरीके से हमारे देश में इक्वालिटी आई है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो अभी देखिए कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने फाइट करी। अगर ये लोग फाइट नहीं करते ना, तो इनकी कंडीशन आज भी सेम ऐसी रह जाती, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल किया। अब आगे देखिए क्या होता है फिर, इन लोगों की क्या, जो इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, क्या वो सक्सेसफुल, क्या इनकी कोई बात मानी गई, क्या इनकी डिमांड पूरी हुई। तो अब आगे देखते हैं। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, तो 1947 में जब हमारा इंडिया एक नेशन बन गया, एक राष्ट्र बन गया, अवर लीडर्स टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। तो जो हमारे लीडर्स थे, जितने भी नेता थे हमारे, वो सभी कंसर्न थे, दैट मींस कि वो चिंतित थे, किसे लेकर के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, जो अलग अलग प्रकार की असमानता थी, कहीं लड़कों और लड़कियों को लेके, कहीं दलित को लेकर के, कहीं गरीब किसानों को और अमीरों को लेकर के। तो ये इतनी सारी जो असमानताएं थी ना, इन्हें लेकर के हमारे लीडर्स कंसर्न थे, चिंतित थे, वो परेशान थे इन चीजों को लेके। दोज वो रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स By which the nation would functions. तो इन सभी ने क्या किया, इनके माइंड में ये सारी चीजें तो चली रही थी हमारे नेताओं के बारे में, फिलहाल उन्हें भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन कोई तरीका नहीं था जिससे वो लोग इन चीजों को दूर कर पाते। तो उन्होंने क्या किया फिर एंड में, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, हमारे संविधान को लिखा, ए डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है
जिसमें रूल्स होते हैं एंड वही रूल्स किसी नेशन को फंक्शन करवाते हैं, चलाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स लिखे गए होते हैं एंड उन रूल्स को फॉलो करके ही किसी कंट्री को चलाया जाता है। तो जब हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो उन्होंने इनके बारे में भी, दैट मीन्स कि जो जो वो परेशानियां देख रहे थे अपनी सोसाइटी में, उन सभी के बारे में उन्होंने ध्यान रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब फिर अब देखते हैं क्या किया उन्होंने फिर। अगर उनको उनकी सारी परेशानियां ध्यान थी इन लोगों की, तो उन्हें दूर करने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा है? विच अवेयर ऑफ द वेज इन विच एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। तो इन्होंने क्या लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लोग बराबर हैं, सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा एंड जो भी कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, दैट मीन्स कि कोई ऐसा पर्सन जो अनइक्वली ट्रीट करेगा उसे क्या किया जाएगा, उसे क्राइम माना जाएगा और उसे लीगली एबोलिस्ट किया जाएगा, दैट मीन्स कि उसे कानूनी रूप से पनिश किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक नियम बना दिया गया है, जैसा कि बी आर अम्बेडकर की स्टोरी में हुआ था, जब वो गए थे तो किसी भी गाड़ी वाले ने, किसी भी टैक्सी वाले ने उन लोगों को नहीं बिठाया था। तो अब ये सारी चीजें बी आर अम्बेडकर के माइंड में थी और इसलिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि आगे चल के अगर कोई भी ऐसा ट्रीट करता हुआ देखा जाता है, कोई भी पर्सन, तो उसे पनिश किया जाएगा। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब एक चीज और है, अभी हमने पढ़ा था बी आर अम्बेडकर के टाइम पे सारे बच्चों को वही वर्क करना होता था जो उनके पेरेंट्स करते थे, पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. तो सारे पेरेंट्स को सेम वही वर्क करना पड़ता था, यानी कि जिनके मम्मी पापा बर्तन बनाते थे तो उनके बच्चों को भी बर्तन ही बनाने, भले ही उसका सपना हो डॉक्टर बनने का, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसे भी अपने ही मम्मी पापा का काम करना था। तो इसलिए अब क्या गवर्नमेंट में ये भी लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया कि सभी पीपल, सभी लोग जो भी इस राष्ट्र में, जो भी इस देश में रहते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी जॉब, कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तुम्हें यही काम करना है, तो वो जो चाहे वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो भी सभी लोगों के लिए हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज द राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। तो अब आगे क्या है, इन एडिशन, यानी कि और एड क्या किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की कि वो स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए, मतलब कदम उठाए, इस टाइप के कदम उठाए ताकि सभी लोगों को राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार मिल सके। किन लोगों को? फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। तो मार्जिनल कम्युनिटीज वो कम्युनिटी होती है जो किसी भी एरिया में कम होते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पूरे एरिया में आप हिंदू रहते हैं, कोई एक पर्सन वहां पर मोमडन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो मार्जिनल फैमिली है, मार्जिनल कम्युनिटी, यानी कि अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या उस एरिया में बहुत ही कम हो। तो अब क्या लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पुअर पीपल के लिए एंड मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए ध्यान दे, उनके उन्हें इक्वल बनाने के लिए स्टेप उठाए। चलिए, तो अभी ये गवर्नमेंट में लिखा गया है, फिलहाल आपने ये भी देखा है आए दिन इसमें काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो आपने फिलहाल ये तो सुना ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब जब भी कोई निकलती है तो पहले इन लोगों को SC ST OBC इन सभी के लिए सीट रिजर्व होती है पहले से ही, सुना है ना? यस मैम। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी उठाई हुई है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो इन लोगों के लिए सीट पहले ही रिजर्व हो जाती है। एंड हर कोई एग्जाम भी होता है तो इन लोगों के लिए जो मार्क्स अपियरिंग करने होते हैं वो कम होते हैं एंड बाकी जनरल पीपल को ज्यादा मार्क्स अपियर करने होते हैं, है ना? तो यानी कि इन लोगों को इक्वल लाने
सरकार ने बहुत सारे, अब फिलहाल कंडीशन ये हो गई है, पहले के लोग बी आर अम्बेडकर तो ये सोच रहे होंगे कि काश मैं मतलब एससी कास्ट में, दलित कास्ट में क्यों पैदा हुआ, मुझे किसी बड़ी कास्ट में पैदा होना था। और अगर अब आज के टाइम पे सिचुएशन देखी जाए तो सिचुएशन ये हो गई है, सपोज दैट कि अगर कोई एग्जाम है उसमें मार्क रखे गए जनरल के लिए रखे गए 90 अपीयर होना है आपको, 100 में से 90 वाले को पास माना जाएगा, एंड एससी एसटी 70 वाले को पास माना जाएगा। तो अगर हमारे 90 से कम रह गए मार्क्स, हम जनरल कैटेगरी में हैं, तो उस समय हमारे माइंड में क्या आएगा फिर, काश हम भी एससी एसटी होते, काश हम भी दलित कास्ट से बिलोंग करते, है ना। यानी कि सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल उलट पलट हो गई है। पहले के बच्चे ये सोचते होंगे कि काश हम अपर कास्ट से बिलोंग करते, एंड आज कंडीशन इतनी ज्यादा भयानक हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, कि आज हमारे माइंड में ये आएगा कि काश हम भी एससी एसटी होते, है ना। चलिए, तो ये वाला टॉपिक समझ आ गया आप सभी को? यस मैम, यस मैम। चलिए, तो ये जो पर्सन है दलित कास्ट, इनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव हुआ है। फिलहाल हमने बी आर अम्बेडकर की स्टोरी के थ्रू पढ़ा ही था ना, उस बेचारे बच्चे के साथ कितना बुरा बिहेव हुआ था। यस मैम। और अगर ये कंडीशन, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप की कोई चीज नहीं लिखी गई होती, तो आज के टाइम पे भी उन सारे बच्चों को ऐसे ही रहना पड़ता ना, जैसे बी आर अम्बेडकर रह रहे थे। यस मैम। चलिए, तो आपको क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जितनी चीजें की गई हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो ये रिजर्वेशन दिया गया है, क्या ये ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर ये अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती ना, तो बेचारे आज भी उसी कंडीशन में रह जाते। आज वो बराबर तो समझते हैं अपने आप को, आज उन बच्चों के माइंड में प्राउड तो फील होता है कि नहीं, हम बराबर हैं, हम भी किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंड इस टॉपिक के बाद आप सभी से पहले क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. तो इन लोगों ने क्या बताया है कि diversity की respect करना, that means कि अलग अलग लोग हैं लेकिन सबको importance दी जाए, सभी एक दूसरे की respect करें, कोई भी एक दूसरे को अपने से छोटा ना समझे। अगर ये feeling आ जाएगी सबके बीच में, तो यानी कि equality ensure है, equality आना, समानता आना सुनिश्चित है, बिल्कुल समानता हो जाएगी। They felt that people must have the freedom to follow the religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज कही गई है कि सभी लोगों को मतलब ऐसा फील कराने के लिए कि वो फ्री हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, कोई लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उसे आती हो, जिस लैंग्वेज में वो बोल सकता है वो लैंग्वेज बोल सकता है, एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, उनके जो भी फेस्टिवल हैं वो उन फेस्टिवल्स को भी मना सकते हैं, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रॉम फ्रीली, एंड जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ओके, दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और कही गई है, नो लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, एंड रिलीजन, ना ही कोई धर्म और फेस्टिवल। तो ना कोई लैंग्वेज, ना कोई रिलीजन, ना कोई फेस्टिवल कंपल्सरी नहीं है लोगों के लिए। दैट मीन्स कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं तुम्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिंदी हमारे पूरे देश में बोला जाता है, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा, फिलहाल हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए, अच्छा, फिलहाल लैंग्वेज की बात आई जाती है, तो एक बार आप ये बताएंगे हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी।
यस, पता है किसी को? शो मी योर हैंड, कौन जानता है नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? यस बेटा, आई एम आस्किंग टू यू विच इज अवर नेशनल लैंग्वेज. यस दीपिका. मैम हिंदी. नो बेटा, हिंदी को फिलहाल, हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, तो इसे मदर टंग कहा जाता है, मातृभाषा हो सकती है हमारी, लेकिन इसे मदर टंग बेटा, ये मदर टंग है. ज्यादातर लोग हमारे देश में हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है. और आपको पता है नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी नहीं जानते. अगर इसे नेशनल लैंग्वेज रखा होता ना, तो सभी को हिंदी बोलना, हिंदी सीखना कंपल्सरी हो जाता है ना. तो इसलिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर नहीं किया गया है. ये अलग बात है कि जो हिंदी है ये हमारी इसे राजभाषा, दैट मीन्स कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करने के लिए हिंदी को इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड हिंदी के अलावा एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, इंग्लिश. तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, बट नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है इन दोनों में से. ओके यस मैम. चलिए, तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई रिलीजन, कोई फेस्टिवल सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है. वो जो चाहे लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो रिलीजन चाहे अपना सकते हैं, जो फेस्टिवल मनाना चाहे मना सकते हैं. They said that the government must treat all religions equally. और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सारे रिलीजन्स को, सारे धर्म को इक्वल मानेगी. चलिए, तो अभी हमने जितना पढ़ा है सभी को समझ आ गया? यस यस मैम. चलिए, अब आप लोगों से एक बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जितना अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड. यस अंश, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं. वो वर द पीपल दैट फाउट फॉर इक्वालिटी. वो कौन कौन से लोग थे जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे? मैम क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए. यस दीपिका, बट आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट आर द पीपल, वो आर द पीपल दैट वर फाउट फॉर इक्वालिटी. Yes, Mahek, you tell. Ma'am, women, peasants and rebels. Yes, very good. Yes, Deepika, now you tell beta. कौन कौन से लोग थे जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे? Ma'am, poor peoples. पुअर पीपल, दलित एंड वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट, ये सारे लोग थे जो किस लिए लड़ रहे थे? इक्वालिटी के लिए. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिद्धात्री बताएंगे. सिद्धात्री, व्हाट आर द डिमांडेड फॉर वुमेन, औरतों के लिए क्या डिमांड थी, वो क्या डिमांड कर रही थी? ये सिद्धात्री, बेटा वुमेन की क्या डिमांड थी? मैम घर का काम करना पड़ता था, बाहर का भी. यस मैम ने इधर. यस, तो वो क्या डिमांड कर रही थी बेटा? यस दीपिका. मैम वुमेन वुमेन्स भी जो है वो बॉयज के बराबर ही पढ़ना लिखना चाहती थी. उनकी डिमांड क्या थी कि हमें भी बॉयज के इक्वल राइट्स दिए जाएं. चलिए महक, आप बताएंगे अब, व्हाट आर द डिमांड फॉर पीजेंट्स की क्या डिमांड थी?
मैम हमारे हमने जो पैसे लिए थे उसका हमारे ऊपर कोई कर्ज ना हो। दैट मीन्स कि हमारा जो कर्जा है उसे माफ कर दिया जाए। यस मैम। चलिए तो अभी आगे का टॉपिक पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अभी ये आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री, दैट मीन्स कि एक प्रजातांत्रिक देश बन गया है, जहाँ पर वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग एंड अलग फेथ, अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग विश्वास को रखने वाले लोग, डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो क्या हो गया था, यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग फेथ्स को मानने वाले लोग रहते थे एंड ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे सोसाइटी में। एंड कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है इसके लिए, मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। तो इन सभी लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव किया जाता था, इसे ही दूर करने के लिए बहुत सारे नेताओं ने स्ट्रगल किया, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, दलितों को ये अधिकार दिलाना चाहते थे क्योंकि ये भी एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे और इसलिए ही ये उन लोगों को राइट्स दिलाना चाहते थे। ये देखिए, ये आपको एक पिक्चर दी है ना, ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, दिख रही है ना आपको पिक। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा yes, है, इसमें से बी आर अम्बेडकर कौन है, पहचानते हैं आप लोग कहाँ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? साइड में। साइड में, अच्छा अंश ने ड्रॉ करके बताया स्क्रीन पे। यस महक, आप बताइए कहाँ है बी आर अम्बेडकर? मैम फोटो साफ नहीं दिख रही है। चलिए आप लोग ना आज अपने इस पेज की फोटो क्लिक करके भेजेंगे और उसमें हाईलाइट करेंगे कौन है बी आर अम्बेडकर। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो अभी आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए इसमें बी आर अम्बेडकर, इसमें आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में बताना है एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी फोटो, दोनों की ही फोटो बतानी है कौन कौन है। ओके इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ही है इस फोटो में, आपको फाइंड आउट करना है, पहचानना है एंड उसके बाद आज आपको अपना होमवर्क भेजना है। फिर आज आपको अपने होमवर्क में यही करना है। ओके यस मैम। चलिए तो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल। तो हमारे इंडिया के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने एक विजन, एक लक्ष्य रखा एंड क्या लक्ष्य रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ताकि जितने भी लोग हैं वो एंश्योर हो सके, वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सके कि हमारे साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हमें इक्वल कंसीडर किया जाएगा, इक्वल माना जाएगा। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज की वैल्यू दैट यूनाइट्स एज ऑल एज इंडियन। और यही इक्वालिटी हम सभी लोगों के बीच में, अगर हम एक दूसरे को बराबर मानेंगे, एक दूसरे के साथ बिहेवियर, बुरा बिहेव नहीं करेंगे, तो यही हमारा एक की वैल्यू हो जाएगी, हमारी एक पहचान हो जाएगी कि हम सभी अलग अलग रहते हुए भी सभी इंडियंस हैं। चाहे कोई भी हो वो ये कहेगा हम इंडियन हैं, वो ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम क्रिश्चियन हैं, जो भी मिलेगा वो क्या कहेगा, वी आर इंडियन। तो ये हमें क्या करता है, एक यूनिटी में कंसीडर करता है। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी को इक्वल राइट्स मिले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले।
Untouchability is seen the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. Untouchability, यानी कि अभी हमने पढ़ा ही था, untouchability वो प्रथा जो बहुत पुरानी चली आ रही थी, जिसमें किसी ग्रुप को पास में आने से, उन्हें छूने से मना कर दिया जाता था. तो इसे कैसा माना जाने लगा? Untouchability is seen the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. तो अब untouchability बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी लोग फ्रीडम, सभी को स्वतंत्र होना है, और जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है वो पहले डरेगा ऐसा करने से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है ना, उसे पनिश किया जाएगा. दिस सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी, और यही हमारी यूनिटी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. दैट मीन्स कि हम सभी लोग किसी से भी डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे. That we all live together and respect one another. और हम सभी एक साथ रहते हुए एक दूसरे की respect करेंगे. So these ideals are enshrined in our constitution. और यही जो ideals हैं, यही जो हमारे ideals हैं, हमारे जो विचार हैं, ये हमारे constitution को enshrined करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं, प्रमुख बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं हमारे constitution को. This chapter points out the inequalities exist even today. इस चैप्टर में हमने वो चीजें भी डिस्कस की जो इनइक्वालिटी आज के टाइम पे भी है, कहीं ना कहीं पूरी तरह खत्म नहीं हो गई है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे करते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को सह रहे हैं, वो उनके खिलाफ नहीं खड़े होते. जब तुम्हें राइट मिल गया है तो तुम्हें लड़ाई भी लड़नी चाहिए, लेकिन वो लोग डरे सहमे से रहते हैं और इसीलिए कोई उनका फायदा उठा लेता है. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. तो equality क्या है? समानता एक ऐसी value है, एक ऐसा value है जिसे हम सभी, अगर हमें मिल गया तो that means कि अगर सभी बराबर हो गए, तो सभी एक दूसरे को बराबर मानने लगे, तो अपने आप ही automatically हो जाएगा ये equality. तो ये ऐसा है जिसे बनाया नहीं जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि जो बराबर कर देगा. ये फीलिंग आनी चाहिए, जब सभी एक दूसरे को बराबर समझेंगे तो अपने आप ही इक्वालिटी आ जाएगी. पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियली फॉर और फॉर ऑल इंडियंस. तो अब इसके लिए लोगों का जो स्ट्रगल है, उनके एक्शंस को पॉजिटिवली लिया जाए. गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है, वो उनके एक्शंस को, जो भी वो बेचारे अपनी मांग रखते हैं, उनकी मांग को उन्हें पूरा करना चाहिए, तभी रियल में सभी इंडियंस बराबर हो पाएंगे. चलिए तो बेटा आज यस, आवाज आ रही है आपको? यस मैम. यस मैम. चलिए तो आज अपनी मैम वो अच्छी नहीं है.